बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ सना बतूल और आप देख रहे हैं सना बतूल फूड व्लॉग्स। अस्सलाम वालेकुम माय डियर फैमिली, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करूँगी कि आप सब ठीक होंगे, हंसते मुस्कुराते रहें, जहाँ रहें खुश रहें ऐसे ही, और अल्लाह ताला हम सब पर अपनी रहमतें बरकतें नाजिल करते रहें। आते हैं आज मैं आपको एक टिप बताना चाहती हूँ किचन से रिलेटेड। आपको पता है कि समटाइम हमें कुछ जल्दी भी होती है कि हम खाना हमारा जल्दी से बन जाए बस, तो इसके लिए हमें, आपको पता है, मेन इंग्रेडिएंट हमारे क्या है, प्याज है, लहसुन है, अदरक है, इनके बगैर हमारा खाना अधूरा है। हर हंडिया में, हर सालन में ये ज़रूर डलता है। तो मैं आज आपके साथ टिप शेयर करूँगी जो मैं करती हूँ। अमूमन ये ऐसे भी लगेगा सेम टू सेम कि ये बिल्कुल फ्रेश है। मैं आपको बताती हूँ, जब आपने ज़्यादा सारा लहसुन मतलब बनाना हो तो फिर आप ये टिप कर सकते हैं, मतलब ये टिप आपकी तब के लिए है। वैसे तो आप अगर उमूमन एक दो तो आप रूटीन में आराम से हम इसको छील सकते हैं। ये देखें इस तरह के मैंने एक मतलब जवे पूरे को तोड़ लिया, फिर इसको मैंने ये डबल कर लिया, इसको ये जो डबल इसका एक पीस है इसके मैंने ये दो दो कर लिए। दो दो मैं अपनी आसानी के लिए करती हूँ, अगर आपने सिंगल भी करने हैं तो कोई मसला नहीं है, सिंगल भी कर सकते हैं हम, मतलब ये ऐसे भी मैं कर सकती हूँ। ये सारे मैं इसी तरीके से कट कर लूँगी, ठीक हो गया। मैं आज आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि ये फटाफट कैसे रेडी हो जाएंगे, कैसे छिल जाएगा हमारा लहसुन। इससे फ़ायदा होगा कि ऐसे ही हमने निकाला, फ्रीज से निकाला, मैं इसको रखती भी, मैं इसको फ्रीज़र में नहीं रखती, मैं इसको रखती भी नीचे, मतलब नीचे वाले खाने में रखती हूँ। निकाला और अपना जो है सालन वो रेडी कर लिया। सिस्टर्स ये देखें, ये हमने जवाए जो है इनमें से ये जो है पीसेस अलग कर लिए लहसुन के, कुछ दो दो कर लें मर्जी है, नहीं तो इस तरीके से भी आप सिंगल भी मतलब सबको तोड़ लें, ठीक हो गया। अब मैं क्या करूँगी, अब मैंने ऑन करना है अपना माइक्रो, ठीक। मैंने अपना कर दिया है माइक्रो ऑन, ये देखें, और सिर्फ मैं इसको एक मिनट के लिए चलाऊँगी अपना माइक्रो। ये देखें एक मिनट के लिए मैंने चलाया था, 50 सेकंड्स हो गए हैं। हम करते हैं एक मिनट के बाद अपना ओवन, ठीक हो गया। अब मैं आपको दिखाती हूँ, ये देखें ये देखें लहसुन का कलर भी आप देख लें साथ, और ये लहसुन का कलर ऐसा ही रहेगा जिस तरीके से मैं आपको दिखा रही हूँ ना, मतलब फ्रेश, कोई इसका कलर नहीं चेंज होना। ये देखें ये सारे ऐसे ही निकलते आएंगे सिर्फ एक मिनट के अंदर। बेशक आपने 10 जवे छीनने हैं, 15 या कितना आपने जो है इकट्ठा करना है। ये देखें कुछ तो खुद ब खुद मतलब इसी तरीके से आपको खुद ही निकले छिलके मिलेंगे। ये देखें कलर भी देख लें आप, सारे जो हैं अपने लहसुन जो है ये अपना सारा मतलब निकाल लूँगी, साफ कर लूँगी, छील लूँगी। जी तो सिस्टर्स ये देखें 5 मिनट के अंदर अंदर ये मेरा लहसुन जो है मैंने कम्प्लीटली पील ऑफ कर लिया है। कुछ आधे जो हैं वो तो खुद ही मतलब छिलके उतर जाते हैं, इस तरह सिर्फ एक मिनट आपने माइक्रो करना है बस। और एक और मैं आपको बताऊं बात, आपने ना गीली छुरी से इनके मतलब पीसेस करने हैं, ना इनको कट करना है, ठीक हो गया। जब हम इसके पीसेस कर रहे थे गीली, आपने छुरी नहीं लगानी, ना गीली प्लेट हो और ना ही गीला जार हो जिसमें आपने इसको रखना है। इसके ये इस कलर का ये राज ये भी है, ये क्लास ये भी है कि इसका जो यही बात है कि जिसकी वजह से इसका कलर जो है, और ये जब भी हम इसको करेंगे ग्राइंड करेंगे तो इसका कलर बहुत अच्छा आएगा, जैसे ये फ्रेश है, ठीक हो गया। अब ये इस किस्म का कोई जार ले लें आप शीशे का, ये देखें इस किस्म का जार ले लें आप, हर घर में मौजूद होते हैं चॉकलेट वाले, स्प्रेड वाले, तो उसमें आप ये देखें। अब ये मैंने सिर्फ 5 मिनट के अंदर जो है ना, ये देखें अब ये करके रखने, जाहिर बात है हम हाउस वाइफ्स हैं, हम मदर्स भी हैं, तो हमें बहुत जल्दी जल्दी काम जो है ना, सम टाइम कोई दावत वगैरह हो जाती है तो हमें बहुत जल्दी जल्दी काम सारे करने होते हैं। तो फिर ये काम हो, मैं बहुत जल्द आपके साथ शेयर करूंगी कि मैं इसका अगर पेस्ट बनाऊँ तो वो मैं कैसे बनाती हूँ, वो भी मैं आपको ऐसी टिप बताऊँगी कि आपका पेस्ट जो है ना उसका कलर चेंज नहीं होगा, वो ऐसे लगेगा जैसे कि फ्रेश है। ये देखें
जार भी ड्राई था मेरा, बिल्कुल बिल्कुल ड्राई होना चाहिए। और ये मेरा देख लें लहसुन भी, और ये मैंने अब इसको कर दिया है, और ये मैं रखूँगी भी नीचे, ऊपर मैं जो आइस जहाँ पे बंदी है उस वाले खाने में मैंने इसको नहीं रखना। ठीक हो गया, अब बस उम्मीद है मेरी आज की टिप जो है आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। मेरा चैनल लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जो न्यू है मेरे चैनल पे, काइंडली मेरे चैनल को, मेरी चैनल की फैमिली में थोड़ा सा इजाफा कीजिए और दुआओं में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।